नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस ब्लॉग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मेरे एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुआ है, जो आज ही है और कुछ देर के लिए चालू रहेगा, मतलब 4-5 घंटे के लिए। तो अभी जाऊंगा ब्लड डोनेट करने के लिए अपने दोस्त के साथ। वो डोनेट नहीं करना चाह रहा, वो डरता है। ऐसे बहुत से लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, तो उन्हीं के लिए कुछ एक छोटा सा वीडियो है। तो अभी चलते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में और अब ब्लड डोनेट करेंगे और दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी कि ब्लड डोनेट करने के बाद कैसा कैसा फील होता है, कैसा लगता है, और आप लोगों को भी डोनेट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी बाइक तो पापा ले गए, तो मैं स्कूटी से जा रहा हूँ एरिया हॉस्पिटल में, तो और दोस्त के घर जाऊंगा, पहले उसको पिक करूंगा, फिर वहां से निकलेंगे। तो चलिए चलते। और हम आ चुके हैं हमारे क्षेत्रीय एरिया हॉस्पिटल पे, जो कि WCL वालों के लिए है, जो भी WCL एम्प्लॉयज़ हैं उनके और उनके फैमिलीज़ के लिए। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चालू हुआ है, तो अभी जाते हैं अंदर और डोनेट करेंगे ब्लड। हॉस्पिटल डोनेशन कैंप शुरू है जोरों शोरों से। ब्लड डोनेशन के लिए पाउच मिल गया। और ब्लड डोनेट हो गया, ये सर्टिफिकेट आ गया और कुछ मुझे है गुड। पीछे कैंप चालू है, ब्लड डोनेट करके हो गया और अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। थोड़ा देर लगता है कमज़ोरी, उसके बाद सब सही लगता है। तो आप भी डोनेट करिए और अच्छा लगेगा आपको भी। हाँ, अभी मिठाई मिला हुआ, तो देख ले क्या क्या है ये डब्बा, और साथ में क्या है वाटर, ये फ्रूटी टिफिन है, अच्छा है ये तो वेद के काम आएगा ये। और ये सब है बॉक्स के अंदर, मूंग दाल, ये चिक्की, और सबसे सस्ती वाली सबसे यूनिक पार्ले जी बिस्किट और ये फ्रूटी है जो कि मैं अभी पी रहा हूँ। बोला ना वो ये सब ब्लड नागपुर जाएगा ब्लड बैंक पे। चलिए कहा है
नमक चाहिए तो नमक पहले डाल देना दोनों। अभी ब्लड डोनेट करके आया और ये सब मिला है। और ये देखिए ब्लड डोनेट करने के बाद कैसा कैसा लगता है बताता हूँ। हल्का सा चक्कर टाइप आता है अगर आप 4 घंटे या 3 घंटे के पहले अगर कुछ नहीं खाया रहता है, 3 घंटे के अंदर में अगर आपने कुछ खाया है तो चक्कर नहीं आएगा। लेकिन मेरे को हल्का हल्का आ रहा क्योंकि मेरे 4 घंटे हो गए थे, सुबह नाश्ता किया था उसके बाद कुछ खाया ही नहीं। और अभी करीब 1 बज रहे हैं, मैंने आधे घंटे पहले ब्लड डोनेट किया था और काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे थे वहाँ पे। ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ पे हील करने के लिए बिठा कर रखते हैं तो उसलिए बैठे थे। और ब्लड डोनेट करने के बाद अच्छा लगता है, नॉर्मल रहता है, कुछ नहीं रहता है। और कुछ दिनों एक अगले दिन ब्लड फिर बन जाता है। तो यही है, आप भी कीजिए ब्लड डोनेट। और मैंने किया है 6 महीने बाद किया। इसके पहले मैंने पिछले साल शायद से 26 जनवरी के टाइम पे किया था, 1 साल हो गया पूरा 26 जनवरी के ही टाइम पे किया था। तो हाँ अभी काफ़ी टाइम हो गया। अभी ब्लड कैंप लगा था हमारे एरिया हॉस्पिटल में, वहीं पे जाके करा है मैंने। तो अभी आ गया घर पे और अब खाना खाऊंगा। बस यही था ब्लॉग आज का। उम्मीद है आप सभी को मेरा एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चलता हूँ, बाय बाय।